एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के हालातों को सुधारने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि प्रदेश में शिक्षा किन हालातों में है। ये तस्वीरें मंदसौर जिले की हैं। मंदसौर जिले के गांव खजूरी मांडा में खुले आसमान के नीचे पड़े ये बस्ते एक स्कूल के बच्चों के बस्ते हैं। हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं बना है और हम वहाँ पर खेत दूसरे के खेत में बैठते थे। अभी हम यहाँ खुले मैदान में बैठते हैं, धूल में बैठते हैं, भोजन भी धूल में बैठ कर करते हैं। हमारे यहाँ कोई जंगली जानवर आकर हमें काट देता है। हमारे टॉयलेट करने की बहुत समस्या है ना। हमारे स्कूल का काम अभी चला है, पहले से स्कूल का काम बंद था। हम पाँचवीं क्लास में हूँ और मैं उस साल मैं छठी में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में नहीं बैठ सकता हूँ। दरअसल इस स्कूल के बच्चों के पास खुद का स्कूल भवन नहीं है, इसलिए उनकी कक्षा कहीं भी इसी तरह लग जाती है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत ने लगभग 2-3 वर्ष पहले इस स्कूल का जीर्ण शीर्ण भवन गिरा दिया था, लेकिन तब से नए स्कूल का भवन नहीं बन पाया है। कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान बच्चों को कभी खुले आसमान के नीचे तो कहीं पशुओं के तबेले में बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल ही नहीं आया है 2 साल से, बहुत बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है। मैं पहले था वो गिरा दिया, क्षतिग्रस्त था, तो उसके बाद 2 साल से बच्चे बाहर पढ़ रहे, किसी खेत में पढ़ रहे, किसी गांव के अंदर 3-4 जगह क्लास लग रही थी। अभी बहुत समस्या है बच्चों की, स्कूल की बिल्डिंग काम अभी चला है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस साल भी बच्चों को नए भवन में बैठने को मिल सकेगा। दरअसल स्कूल का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। इस बात को लेकर जहां शिक्षक परेशान हैं, तो वहीं छात्र और ग्रामीण भी शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में ना तो शौचालय है और ना ही बैठने के लिए कक्षाएं, बच्चों को शौच के लिए भी परेशान होना पड़ता है। स्कूल में एक मध्याह्न भोजन कक्ष है जहां भोजन भी बनता है, भोजन खाया भी जाता है और यहीं कक्षाएं भी लग जाती हैं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। विद्यालय में तो बहुत भारी समस्या चल रही है 2 साल से। विगत 2 वर्षों से विद्यालय भवन नहीं है, पुराना था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको गिरा दिया गया है। उसके बाद विद्यालय का कार्य 1 साल बाद तो विद्यालय मंजूर हुआ है, पेमेंट इसका। अब काम चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। विगत दो वर्षों से हम इधर उधर बैठ रहे हैं, एक प्राइवेट बाड़े में जैसे बैठते थे, बारिश में हम यहाँ पंचायत भवन में बैठे हैं। एक कमरे में 5 क्लास नहीं बैठ सकते, पढ़ा नहीं सकते हैं, केवल बिठाना है। ये बड़ी समस्या बनी हुई, अभी थोड़ी ठंड के समय से बाहर बिठा रहे हैं। और जो पंचायत भवन में मिला था उसमें भी हमारे जैसे विद्यालय बनने भवन बनने का लोहा है, सीमेंट है, ये डाल रखा है। तो इस प्रकार से तो अभी तो बहुत विकट समस्या बनी हुई है। शायद अब कभी रास्ता निकल जाए, या इस वर्ष तो हम नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि मार्च में परीक्षा है, 2-2.5 महीने बचे हैं, उसमें विद्यालय बन जाए, अगले सत्र में संभावना है कि बैठ सकते हैं। अभी तो कठिनाई वैसे वैसे ही है, 2 साल से बनी हुई थी।